वार अठवीं पौड़ी सोलवीं। कितड़े सुन्नी आखियन, कितड़े ईसाई मुसाई, केतड़िया ही राव जी, केतड़े मुलहिद गणत ना आई। ओके, हुण भाई गुरदास जी यवन मत, यवन मत हुंदा भी जरा जरा है ईस्ट का धर्म, ओके ईस्ट का धर्म जरा है मिडल ईस्ट कह लिए। सो कहते कितड़े सुन्नी आखियन, हुण जिहड़े सुन्नी ने, हुण सुन्नी मुसलमान कौन ने जिहड़े के अपने मनते ने उमर उस्मान अबू बकर ते अली चार खलीफा होए ने, कहते ये मनते ने भी चार खलीफा ने। सो इन्हों सुन्नी कहते हैं, सो सुन्नी अपने मलेशियन भी सुन्नी ने। सो कहते ये चार खलीफा मानते हैं। फिर कहते अगे अगे केतरे ईसाई मुसाई, तो कहते किन्ने जड़े हैं ईसाई ने। हुण कई लोग पुछते ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब के ईसाई शब्द नहीं आता, यू नो दैट्स नथिंग अबाउट क्रिश्चियंस। देखो भाई गुरदास जी क्रिश्चियंस वाले लिखते हैं, कहते किन्ने क्रिश्चियंस ने, ईसाई मीनस ईसा, ईसा मीनस जीसस, कहते किन्ने जीसस नू मनन वाले क्रिश्चियंस हैं। मुसाई, मुसाई मीनस जड़े यहूदी ने जड़े कि मूसा मोजस नू मनन वाले ने, कहते उन्होंने मुसाई लिखे। कहते किन्ने ईसाई तो किन्ने मुसाई ने दुनिया के विच, केतरिया ही राफ जी, ओके राफ जी भी कहते, राफ जी भी कहते हैं। हुण राफ जी जड़े ने ये जड़े मानते ने शिया, हुण सुनी है ना दूजा तबका इन्हों का बन गया शिया। हुण शिया ते इन्हां विच की फर्क है, शिया मनते ने ये चार खलीफा नू नहीं मनते, वह सिर्फ एक नू मनते ने अली, क्योंकि अली जिहड़ा सीगा वह जिहड़ा सन इन लॉ सीगा ना प्रोफेट मुहम्मद का। सो शिया ओनली बिलीव इन अली, सो कहिंदे अली है। सो कहिंदे शिया का यह काम है। दूजा जिहड़ा अली नू मनन वाले ने इन्हां दे विच थोड़ा जिहा प्रैक्टिस थोड़ी जी होर है, जैसा यू सी द मलेशियन मुस्लिम ते इंडियन मुस्लिम का बिलीफ थोड़ा होर हुंदा, उन्हां दा जिहड़ा प्रैक्टिस भी कुछ होर हुंदा। ये जिवें कबरां नू पूजदे ने, हाँ जी उत्थे रजा गाने भी गाउंदे ने, हाँ जी, सो वह उन्हां दा थोड़ा प्रैक्टिस वखरा है। चलो कितने मुलहिद, मुलहिद वह ने जिहड़े मुसलमाना का तबका है, जां ये जिहड़ा एक तबका है जिहड़ा मिडल ईस्ट का मुलहिद, दैट मीनस दे डोंट बिलीव इन द डूम्स डे, क्यामत नू नहीं मनदे, दे डोंट बिलीव इन अ डूम डे, कहिंदे डूम्स डे नहीं हैगा। सो वह मुलहिद ने। सो कहिंदे गणत ना आई, सो भाई गुरदास जी कहिंदे देखो कि इन्हां दी गिनती नहीं आउंदी, किन्नी नहीं है, किन्ने इन्हां दे अपने बिलीफ ने। कहिंदे लख फिरंगी, फिरंगी मीनस कौन ने, अंग्रेज लोग जिहड़े अंग्रेज ने। सो अंग्रेज आपां नॉर्मली इन्हां नू जोड़दे ने ब्रिटिश दे नाल। सो नॉर्मली जिहड़ा शब्द अंग्रेज आउंदा है वह सारा जिवें यूरोप हो गया वह हिस्सा यूके दा पा के उन्हां नू आपां अंग्रेज कहिंदे आ। सो फिर हो गए जी अरमनी, जिहड़े अरमानिया दे बंदे ने, अरमानिया जिहड़ा है उही है जिहड़ा मिडल ईस्ट ना उधला पासा आर्मेनिया। कहिंदे कई अंग्रेजी ने, कई अरमानी ने, रूमी, रोम, रोम दे बंदे ने। सो रोम दे जिहड़े हन तुहानूं पता है पिछले उन्हां दा जिहड़ा बिलीफ जिहड़ा होर सीगा, हुण तां ज़्यादा क्रिश्चियन बने हुए ने। सो वह हो गया जी। फिर जंगी हो गए, जंगी दुश्मन दाई, कहिंदे कई लोगों का धर्म ही कोई नहीं गा, जिहड़े यूरोपियन बंदे ने जो वाइकिंग्स होए जां होर वह टाइम के जिहड़े बंदे सीगे होए जे, कहिंदे वह जंगी बंदे सीगे, वह सिर्फ लड़दे सीगे, लड़ के उन्होंने अपना थां बनाउंदे सी, अपना राज कायम करते। कहिंदे दुश्मन दाई दुश्मन मार मार के उन्होंने कोंकर करते होंगे सन, दे कोंकर द वर्ल्ड ट्रू बैटल्स। सो दैट मीनस दे डोंट हैव एनी स्पैसीफिक फेथ दैट दे बिलीव। सो यह जे भी बंदे ने सारे। कहिंदे कितरे सैयद आखियन, ओके हुण मुसलमाना विच ना जिवें आपां कहिंदे आ ब्राह्मण खत्री वैद्य शूद्र, सो हुण मुसलमाना च होंदे कि सैयद शेख जिहड़े हन, फिर होंदे ने मुगल ते पठान। सो इंडिया दे विच इन्हां नू चार कैटेगरीआं च वंडिया गया। सो जिहड़े सैयद लोग ने इन्हां दा जिहड़ा हुंदा है इन्हां दी लीनेज हुंदी आ फ्रॉम प्रोफेट मुहम्मद। सो प्रोफेट मुहम्मद तो जिहड़े भी आउंदे ने उह सैयद हुंदे ने। एंड दैन एस यू नो प्रोफेट मुहम्मद दी फैमिली जां उहनां दा जनरेशन बहुत वड्डा, नो दे आर वेरी वेरी ह्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो जिहड़े सैयद हुंदे ने इह उहनां दी जनरेशन हुंदी आ प्रोफेट मुहम्मद दी। सो कहिंदे केतरे सैयद आखियन, कहिंदे केतरे तुर्क मान दुनियाई, तुर्कमिनिस्तान जिहड़ा हुंदा है कहिंदे उह मुल्क दे भी मुसलमान ने। सो तुर्कमिनिस्तान जिहड़ा है उत्थे भी कहिंदा किन्ने दुनियाई, दुनियाई दा मतलब है कहिंदे भी इह दुनिया दे कम्मां दे विच उह पए होए ने, कहिंदे किन्ने दुनिया दे कम करदे ने आ सारे मुल्कां दे विच ते नाले अपना धर्म कमाउंदे ने। सो मुसलमान धर्म जिहड़ा है इन्हां ने जिहड़ा है दुनिया नूं कोंकर कीता। सो इन्हां दा जिहड़ा है जिवें हुण इंडिया है, देखो इंडिया विच इह जिहड़े हन पहुँचे उत्थे 1100 एडी नू पहुंचे है इंडिया विच, सी फ्रॉम वेरी अर्ली दे ऑलरेडी देयर। सो इन्होंने सारी दुनिया नू कोंकर किया थ्रू बिजनेस टू ट्रेडिंग टू जिहड़ा है वाटर ट्रेड जो मर्जी। सो इन्होंने दुनिया नू कोंकर किया।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਤਰੇ ਤੁਰਕਮਾਨ ਦੁਨੀਆਈ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤਰੇ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਹਨ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਗਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗੋਲੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪਠਾਨ। ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਠਾਨ, ਪਠਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਬਸ਼ੀ, ਹਬਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਪੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾ ਇਥੋਪੀਅਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਬਸ਼ੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਬਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲਮਾਕ ਆ ਬਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਮਾਕ ਨੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੰਗੋਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗੋਲ ਮੰਗੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਕਿਲਮਾਕ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤਰੀਆਂ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਤਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਈ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਵੈਲਿਊ ਯੋਰ ਫੇਥ ਯੋਰ ਬਿਲੀਫ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਈਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੇਈਮਾਨ, ਬੇਈਮਾਨ ਮੀਨਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵਰਤ ਕੇ ਸਮਝ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੋ ਦੇ ਵਿਲ ਲੂਟ ਯੂ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਧਰਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਟੁੱਕ ਇਟ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੰਦ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੀ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਇਨ ਦਾ ਫੇਥ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਫੇਥ, ਬਟ ਸਮ ਪੀਪਲ ਯੂ ਨੋ ਇਫ ਦਿਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨੋਟ ਡੇਂਜਰਸ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਦੇ ਗੋਟ ਦੇ ਆਰ ਓਨ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਬਟ ਦਾ ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਹੂ ਕਾਲ ਦੈਮਸੈਲਫ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਆਰ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਰਿਲੀਜਨ, ਔਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਮੇਕ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦ ਰਿਲੀਜਨ ਫੋਰ ਦੇਅਰ ਓਨ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਥਰੈਟ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲੀਫ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਅਖਾਉਂਦਾ, ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਨ ਬਟ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਦ ਰਿਲੀਜਨ ਟੂ ਅਰਨ ਮਨੀ, ਆਈ ਯੂਜ਼ ਦ ਰਿਲੀਜਨ ਟੂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਪੀਪਲ, ਆਈ ਯੂਜ਼ ਦ ਰਿਲੀਜਨ ਟੂ ਚੀਟ ਪੀਪਲ, ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਲਿਆ ਨਾ, ਨਾ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦਿਸ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਫਟਰ ਫਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥੋਟ ਦੈਟ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦੈਮ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਕਮਸ ਟੂ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ ਦੇਅਰਸ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਔਨ ਟੋਪ ਆਫ ਦੈਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕੋਲੈਕਟਿੰਗ ਟੈਕਸ, ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕੋਲੈਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਰਿਚ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੱਲੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ, ਰਾਈਟ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਫੋਰ ਦੈਟ ਪਰਪਸ। ਬਟ ਮਨੀ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਫੋਰ ਗੁੱਡ ਪਰਪਸ ਐਟ ਆਲ ਟਾਈਮਸ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਚੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਰੇਪਿੰਗ ਦ ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦ ਪੰਥ ਗੋਟ ਟੂਗੈਦਰ ਐਂਡ ਟੁੱਕ ਆਲ ਦਿਸ ਮਹੰਤ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੇਕ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਪੀਪਲ ਟੂ ਕਿਲ ਦ ਸਿੱਖਸ। ਸੋ ਸੀ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਰੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਡਿਡ ਦਿਸ, ਹੀ ਪੁੱਟ ਦੈਮ ਇਨ ਟੂ ਅ ਬੋਇਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਇਲ, ਹੀ ਬਰਨ ਦੈਮ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ। ਸੀ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਬੈਡ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਇਸ ਔਨ ਯੋਰ ਓਨ, ਬਟ ਡੋਂਟ ਯੂਜ਼ ਦ ਰਿਲੀਜਨ, ਡੋਂਟ ਯੂਜ਼ ਦ ਸਿਕਸ਼ਾ ਆਫ ਗੁਰੂ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਇਟ ਇਨ ਦੀ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਡਜ਼ਨਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਅਸ, ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁਰੂਸ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਆਵਰਸ, ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਗੋਟ ਨੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਟਰਨ ਇਟ ਅਰਾਊਂਡ, ਟੂ ਮੈਨੀਪੁਲੇਟ, ਵੀ ਗੋਟ ਨੋ ਰਾਈਟ।
क्योंकि इन्ना तो सच्चाई चाहिए ना बंदे विच कि बंदे ने गुरु की गल समझ के उन्हें गुरु की गल कहाँ दसनी होंगी न्यू यू आर जस्ट अ परसन हू इज प्रेजेंटिंग द पॉइंट डजंट बिलोंग्स टू यू द बाणी डजंट बिलोंग्स टू यू यू नो सो वो गल चाहिए है सो महाराज कहते भी ऐसे जो बेईमान बंदे ने बहुत सारे ने फिर महाराज कहते नेकी बद्धी ना लुके लुकाई महाराज कहते एक गल है जिहड़ी चंगियाई ते बुरियाई हुंदी आ ना ये लुको भी लो तब नहीं लुकदी इट वुड बी एक्सपोज टू द वर्ल्ड सुन ऑल इट जिन्ना मर्जी लुको लो एक दिन बार आई जाती है जिमें ऐसी गल हुंदी आ ना कहिंदे जिहड़ा महाराज दे कोल ना जिहड़ा है भाई फेरू जी आए ना कहिंदे सारे मसंदा नूं महाराज ने सद्दिया ते भाई फेरू जी आए महाराज कहिंदे सिखां नूं कहिंदे भी जिहड़े ये मसंद ने ना पैड़े इन्हां नूं दाड़ियां तों फट फट के लैके आ सो सिखां ने दाड़ियां तों फट फट के लिआंदे उह मसंद जिहड़े लोकां नूं ठगदे सीगे इन्हां सो भाई फेरू ने की कीता भाई फेरू अपनी दाड़ी आपे फट के महाराज दे कोल आ गया ते महाराज देख के उहनूं हस पए गुरु गोबिंद सिंह जी हस के कहिंदे भाई फेरू जी ये की गल होगी कहिंदे महाराज तुसीं क्या दाड़ी फट के लिआ मैं अपनी दाड़ी आपे फट के लिआया महाराज माफ़ कर दो जी गलती हो गई तो महाराज कहिंदे कोई नहीं कहिंदे तू तू मेरा सिख है तू सच्चा सिख है तो कोले बैठा अकाउंटेंट खोल के बैठा किताब नूं कहिंदा महाराज इन्हें कोई जिहड़ा है कलैक्शन भेजिया नहीं कि महाराज यह कलैक्शन कितने नहीं आया महाराज सो गुरु महाराज पूछन लगे भाई फेरू जी तेरा कलैक्शन नहीं आया कहिंदा भाई फेरू जी कहिंदा महाराज थोनों तो पता ही तो महाराज हस के कह लगे अपने अकाउंटेंट नूं कहिंदे इन्हें तो सीधे लंगर चलाए ने इन्हें जिन्ना भी पैसा नूं मिलता से ना इन्हें लंगर चलाया महाराज कहिंदे गुरु की गोलक गरीब का मूँह गुरु की गोलक होगी ना कहिंदे भी इन्हें तो गुरु की गोलक जरा सीधा गरीबा नूं मूँह च पाया है कहिंदे इहदा तो सीधा ही मेरे को आया इस करके नहीं कुछ करना सो देखो उहदी सच्चाई सीगी जो कहिंदे लुकी नहीं गई सी धर्म दे विच इह गल है यू आर बैड यू आर गुड इट विल बी एक्सपोज सुन और लेटर सो नैवर एवर थिंक दैट तुसीं दुनिया नूं कुछ होर दिखाओगे बट यू आर समथिंग एल्स बिहाइंड यू नैवर डू दैट इफ यू डू दैट दैन डोंट डू धर्म का कम ना करो है ना धर्म के कम तो दूर हो जाओ है ना सो ये जिन्हें गल्लां बहुत जरूरी हैं भाई गुरदास की यह वार जी अपने बहुत टुकदी है सी इफ यू कैन से टू योर चिल्ड्रन दैन आई सी लाइक फादर आई एम वेरी गुड गुर सिख वो चिल्ड्रन देते हुए गल देखी जाऊगा एक दिन सू कहूगा बापू जी आई की किया एक्सपोज तो हो ही जाऊंगे ना कि नक चिर लुकोगे नहीं लुकता जी चंगियाई बुरियाई नहीं लुकती होंगी ये एक्सपोज हो जाती है इस करके ये जरा हिपोक्रेसी नहीं चलती डू शो वट एवर यू आर यू डोंट हैव टू हाइड एनीथिंग यू डोंट हैव टू हाइड यू नो यू डोंट हैव टू शो पीपल दैट यू आर होल्डिंग अ माला इन योर हैंड यू नो तुम माला फड़ी हुई है लोग कहोगे वाह वाह बड़ी माला करता है एंड दैट माला इज ऑलसो कबीर साहब के समय तो चलती आई है लोग इस तरह करते रहे हैं हाँ जी तुम देखिए होगा ना कई माइया बैठिया होंगे माला लैके एंड मूहे ड्रामे लगे होंगे या माला हाथ च होंगी है यू नो सो जो कोई देखे माला फिर लग जाती अदरवाइज इज बी स्टैगनेंट वेटिंग फॉर यू नो स्टैंड बाय व्हेन यू यू नीड इट यू नो सो ये गल्लां होंदियां ने कई लोगों ने गल्लां करते कहते टिक टिक वो आदत पई होंदी है ना वो गल्लां करते कहते भी टिक टिक करी जाते हैं हाँ जी सो जिहड़ा है जे तो नाम जपना चंगी तरह जपो पर दिखाओ ना इन्हां को भी हाँ मेरे हाथ च माला कहीं तो उ पाई फरते मैं तो क्या अच्छा बड़ा हो गया कम जी अगे तो होंगी सी माला अजक टिक हों हर कोई टिकर हाथ च ली फरदा जी बोलो की कहूंगे वाह वाह वेरी गुड वेरी गुड फॉर वट यू आर डूइंग भाई टू शो पीपल है ना वाई यू नो शो पीपल यू वॉन्ट पीपल टू मत्था टेक यू वट नो वट्स द रीजन यू आर डूइंग इट फॉर वट फॉर योर सेल्फ राइट डोंट शो इफ यू आर रियली डूइंग इट होल्ड इट यू आर नॉट डूइंग इट डोंट होल्ड इट डोंट ट्राई टू शो कई तो लोग जो है चोले पा के हाँ जी चिट्टे चोले पा ले जी हाँ चिट्टिया पगं पढ़ लिया जी मैं बता संत बन गया जी हूँ जस्ट टू शो अंदर कुछ भी नहीं होंगे है ना सो आ शो जी पासे रखनी चाहिए है क्योंकि नेकी बदी लुके ना लुके लुकाई नहीं लुकदी जी एंड दैन यू डोंट हैव टू शो वट यू आर नॉट शो वट यू आर ब्रेफ बी ब्रेफ जे कोई वीकनेस है दुनिया में दिखाओ मेरे च वीकनेस है चलो कोई गल महाराज ठीक करेगा बट लुकानी नहीं ना क्यों लुकानी हाँ जी सो इस तरह करके भाई गुरदास जी ने अपना समझाया जी सो इतों तक जी आप कर लिए केतरे मुगल पठान हन हबशी ते किलमाक आवाई केतरिया ईमान विच केतरे बेईमान बलाई नेकी बद्दी ना लुकै लुकाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।